ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अरहन्तो मङ्गलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मङ्गलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मङ्गलम् साधवो मम मङ्गलम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेश्वर भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय चल रहा है, मंगलाचरण के साथ उसमें आगे के विषय में प्रवेश किया जा रहा है। पणमिय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्ड माण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम पूछे हम सुनह भवीय जनाम। वर्धमान भगवान जिनेन्द्र को नमन करके और 57 आश्रमों को कहने की प्रतिज्ञा करते हुए आचार्य श्री सुत मुनि ने जब मार्गणा स्थान में मार्गणाओं में आश्रम का प्रकरण प्रारंभ किया तब पुनः मंगलाचरण किया। उस मंगलाचरण को भी पढ़ा जाता है। विजिद चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सय लथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्णा सवम बोछे। भव्यात्माओं, मार्गणाओं में हम 9 मार्गणाएं पार कर चुके हैं, अर्थात गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, ये मार्गणाएं, कषाय, ज्ञान, संयम और दर्शन। इन 9 लेस्याओं 9 मार्गणाओं के अंदर आश्रो की बात को कहा है। अब हम 10वीं लेस्या मार्गणा में आते हैं। आपने 4 मार्गणाओं में अच्छा स्वाध्याय करके परीक्षा देकर बहुत ही सुंदर परिणाम प्रस्तुत किया है। पुनः अब चूंकि कल तक हमें आश्रव त्रिभंगी के स्वाध्याय को परिपूर्ण करना है, इसलिए सभी स्वाध्यायी लोग ध्यान देंगे। पारस चैनल का यदि समय समाप्त हो जाता है तो आप सब जूम चैनल पर आ जाइएगा। तो 10वीं मार्गणा है लेस्या मार्गणा। अब लेस्या किसे कहते हैं सबसे पहले जानना है। कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, कषाय से अनुरंजित जो मन वचन और काय इन योगों की प्रवृत्ति है उसको कहते हैं लेस्या। और लेस्या के 6 भेद किए हैं, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तो हम सभी ने जो कल गाथा नंबर 55 को पढ़ा था तो दर्शन मार्गणा के साथ साथ गाथा के उत्तरार्ध में लेस्या मार्गणा की भी शुरुआत आचार्य देव ने यहाँ की है, इसलिए एक बार फिर से 55 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। सग जोग पच्चया खलु केवल नानव केवला लोहे किन्नति पण वन्नम हार दुगम बज्जीवून हवे। अर्थात इसमें गाथा के उत्तरार्ध से कहा कि कृष्ण, नील और कापोत इन 3 लेस्याओं में आहारक द्विक को छोड़कर 55 आश्रव होते हैं। ये हुई 3 अशुभ लेस्याओं की बात। 6 लेस्याओं में 3 लेस्या ये अशुभ मानी जाती हैं और पीत, पद्म, शुक्ल ये 3 लेस्याएं
शुभ मानी जाती हैं। हमें तो यहाँ मार्ग इस लेस्या मार्गणा के अंदर आश्रव की रचना को जानना है। तो अब गाथा नंबर 56 पर आइएगा। किन्न दुषाणे वेगो वियमिस छिदि हवे इते उतिये। किन्न दुषाणे वेगो वियमिस छिदि हवे इते उतिये। मिच्छद उठाने ओरालियमिस सोनत्ति अविरदे अति। मिच्छद उठाने ओरालियमिस सोनत्ति अविरदे अति। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। किन्न दुषाणे वेगो वियमिस छिदि हवे इते उतिये। मिच्छद उठाणे ओरालियमिस सोनत्ति अविरदे अति। कृष्ण दीक्षा साधने वैक्रियक मिश्रच्छितिः भवेत् तेजस्त्रिके। मिथ्यात्वद्विस्थाने औदारिक मिश्रम नास्ति अविरते अस्ति। इस गाथा के माध्यम से आचार्य श्री सुत मुनि कहते हैं कि कृष्ण नील लेस्या में सासादन गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र की विच्युति होती है। जो विशेष बातें हैं उनको गाथाओं में विशेष रूप से बता करके और फिर गुणस्थानों के समान व्यवस्थाओं को आश्रव में कहते हैं। पीत पद्म शुक्ल लेसा में मिथ्यात्व सासादन गुणस्थान में औदारिक मिश्र नहीं है और चौथे गुणस्थान में औदारिक मिश्र है। इस बात को इस 56 नंबर की गाथा के माध्यम से बताया गया है। अभी हम चार्ट के साथ भी चलेंगे, पद्यानुवाद पढ़ते हैं। कृष्ण नील के सासादन में मिश्र वैक्रिय के विचिति। पीत पद्म अरु शुक्ल तीन ये लेशाएं शुभ कहलाती। इनमें अवदार के मिश्र नहीं मिथ्यात्व और सासादन में। औदारिक मिश्र असंयत में है इन्हीं तीन लेशाओं में। आगे की गाथा में भी चूंकि इसमें लेस्या का प्रकरण चल रहा है। पीत पद्म अरु शुक्ल तीन ये शुभ लेस्या वाले प्राणी। भव सभी जीवों में आश्रव 57 की है वाणी। आगे भव मार्गना के अंदर जब हम चलेंगे तब इसको और आगे लेंगे। यहाँ पर हमें लेना है कि कौन सी लेसा मार्गणा में कितने आश्रव होते हैं। तो कुछ चीजों को आप पहले आश्रव की त्रिभंगी जानने से पूर्व जान लीजिएगा कि कृष्ण और नील लेसा में 55 आश्रव होते हैं। इनमें दो आश्रव आहारक द्विक के नहीं होते और इनके गुण स्थान प्रारंभ के चार होते हैं, मिथ्यात्व सासादन मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि। तो पहले इन्हीं दो लेस्या वालों का चार्ट लेते हैं। तो चार गुण स्थान है इनके और 55 आश्रव। तो 55 आश्रव में तो कोई बात ही नहीं है, एक बार चाहे तो आप हर मार्गणा के प्राथमिक रूप में मार्गणा के अंदर सबसे शुरुआत में आश्रवों के नाम लिख लीजिएगा। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग में से 13 योग यानी आहारक द्विक को निकाल दिया तो 13 योग, इस प्रकार से 55 आश्रव लिख लीजिएगा। और 55 आश्रव की डिटेल भी कोई कठिन नहीं है, यह आपको कई बार बताई जा चुकी है। तो अब हम चलते हैं पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व गुण स्थान, इसमें आश्रव है 55 का और अनाश्रव 0 और आश्रव विच्युति 5 यानी 5 मिथ्यात्व की विच्युति हो गई। अब दूसरे गुण स्थान में आते हैं, आश्रव 50 का यानी 55 में से 5 विच्युति वाली निकल गई, 50 का आश्रव, अनाश्रव 5 का उन्हीं का और विच्युति इसके अंदर भी 5 की है, जबकि जनरली दूसरे गुण स्थान में 4 की हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर 5 की विच्युति। तो जो गाथा में विशेष बताया है कि दूसरे गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र की विच्युति हो जाती है, तो 4 अनंतानुबंधी और 1 वैक्रियक मिश्र,
तो इसमें देखिएगा कि पेज नंबर 36 पर, पेज नंबर 36 पर इसमें थोड़ा सा संशोधन है, आप सब लोग कर लीजिए, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में अनासरों में 50 लिखा हुआ है, तो इस शून्य को डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए, 5 का अनासरो और 5 की विच्छुति। इसी प्रकार से हम तीसरे गुण स्थान में आते हैं, दूसरे गुण स्थान में 5 का अनासरो और 5 की विच्छुति है, और तीसरे गुण स्थान में हम आते हैं तो 43 का आश्रो है। 43 का आश्रो कैसे, यानी 50 में से 5 गई तो 45 बचती हैं, 45 में 2 को माइनस कर दीजिए, औदारिक मिश्र और कारमान, ये भी विशेष में गाथा में बताया जा चुका है, तो 43 का आश्रो हो गया। इसमें भी आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, पुस्तक में अनाश्रो में लिखा है 43, तो इसको 12 कर लीजिए, जैसे ऊपर संशोधन किया है ऐसे ये मिसप्रिंट हुआ है। 12 का अनाश्रो, 12 का अनाश्रो कैसे, यहाँ अनाश्रो में 2 ऊपर की आ गई, वैकरेख मिश्र और कारमान, तो 10 का अनाश्रो ये चौथे में है, 12 का अनाश्रो यानी 5 और 5 10 होते हैं, उनमें औदारिक मिश्र और कारमान को मिला दिया गया, तो अनाश्रो में 12 हो गई और विच्छुति तीसरे गुण स्थान में 0। इसमें अनाश्रो में आप सुधार कर लीजिएगा, 43 लिखा है इसको 12 कर लीजिए। अब चतुर्थ गुण स्थान में आइए, चतुर्थ गुण स्थान में आश्रो 45 का, ये पुस्तक में ठीक है, यानी 43 थे, 43 में 2 फिर से मिला दी गई, वैकरेख मिश्र और वैकरेख मिश्र के बिना, यानी औदारिक मिश्र और कारमान को मिला दो, तो ये 43 और 2 45 हो गई। उसमें कहा है कि चौथे गुण स्थान में आश्रो में आ जाते हैं, और अनाश्रो की 10, तो 10 यहाँ पर 45 लिखा हुआ है अनाश्रो में, इसको भी काट करके 10 कर लीजिए, क्योंकि आपके स्वाध्याय में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए ये, इसलिए थोड़ा सा संशोधन जरूर कर लेना है, तो 10 का अनाश्रो नई वाली में करेक्शन है, तो ठीक है, जिनके पास नई पुस्तकें हैं उनमें ये करेक्शन लगे हुए हैं। और चौथे गुण स्थान में विच्छुति है 8 की, 8 कैसे, अप्रत्याख्यानावरण की 4 कषाय, 1 त्रसबद्ध, 1 वैक्रियक और 1 औदारिक मिश्र का योग और 1 कारमान का योग, इस प्रकार से 8 की विच्छुति है, वैक्रियक मिश्र की विच्छुति नहीं होती है, ये विशेष नियम इसके अंदर बताया गया है। अब दो लेस्याओं की बात हुई, अब कापोत लेस्या में आइए, कापोत लेस्या में भी आहारक द्वीप को छोड़कर 55 का आश्रो है, और गुणस्थान भी आदि के 4 ही हैं, तो प्रथम गुण स्थान में 55 का आश्रो 0, अनाश्रो में 0 और विच्छुति 5 की मिथ्यात्व की। द्वितीय गुण स्थान में 50 का आश्रो, अनाश्रो 5 का और विच्छुति अनंतानुबंधी 4 की, तो थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ गया, इसलिए इस लेस्या को अलग किया है। तृतीय गुण स्थान में आइए, तो आश्रो 43 का, 50 में से 4 विच्छुति वाली निकाली तो 46 होती है, 46 में से 3 निकाल दिया, औदारिक मिश्र, वैकरक मिश्र और कारमाण, तो इसमें भी प्रश्न 36 पर इसमें भी थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, इसमें जो वैकरक लिखा है उसको वैकरक मिश्र कर लीजिए, वैकरक मिश्र यहाँ पर आएगा तृतीय गुण स्थान में 43 में। अब अनाश्रो, तृतीय गुण स्थान में अनाश्रो 12 का, 5 और 4 9 होते हैं और इनमें 3 अनाश्रो वाली मिला ली तो 12 हो गई और विच्छुति 0। चतुर्थ गुण स्थान में आइएगा, आश्रो 46 का, 43 में जो ऊपर निकली थी 3 वो यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान में मिल जाएंगी, यानी औदारिक मिश्र, वैकरेख मिश्र और कारमाण, ये 43 में 3 मिल गई तो 46 का आश्रो और 9 का अनाश्रो, 12 में से 3 निकल गए तो अनाश्रो 9 का और विच्छुति भी 9 की, 9 की विच्छुति, 4 प्रत्याख्यानावरण, 1 त्रसबद्ध, वैकरेक द्विक की 2 और औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग, ऐसे 9 की विच्छुति हो गई,
इस प्रकार से लेश्या, यानी कि ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया, जैसे जैसे कृष्ण परिणाम या नील लेश्यारूप परिणाम होते हैं या कापोत लेश्यारूप परिणाम होते हैं, सारा खेल परिणामों का है और परिणामों के अनुसार ही आश्रय होता है, परिणामों के अनुसार ही बंद होता है। तो आपने कृष्ण, नील और कापोत इन तीन लेश्याओं के दो चार्ट को जान लिया, इनमें 55 का आश्रय और 4 गुण स्थान होते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था अलग अलग है। अब हम आते हैं पीत पद्म लेश्या में आश्रय, यानी कि इसमें सभी आश्रय हैं, 57 के 57, 5वां मिथ्यात, 12वां अविरति, 25वां कषाय और 15 के 15 योग, ये 57 आश्रय हुए। और इसमें पीत पद्म लेश्या में बताया है, शुक्लेश्या की बात अलग करेंगे, पद्म पीत और पद्म लेश्या में आदि के 7 गुण स्थान होते हैं, मिथ्यात्व से लेकर के और अप्रमत्त विरत तक 7 गुण स्थान। पहले गुण स्थान में आश्रव है 54 का और अनाश्रव है 3 का, यानी आहारक द्विक और औदारिक मिश्र भी इसमें अनाश्रव में लिया है, इसलिए 3 का अनाश्रव और विच्युति 5 की 5 मिथ्यात्व। दूसरे असाधन गुण स्थान में आइए तो 49 का आश्रव, यानी 54 में से 5 निकल गए, 49 बचे, 49 का आश्रव और अनाश्रव 5 और 3 8 का और विच्युति 4 अनंतानुबंधी की। तृतीय गुण स्थान में आश्रव 43 का, तो 49 में से 4 गए तो बचे 45 और 45 में 2 और घटा दिए, वैक्रक मिश्र और कारमान, तो 43 का आश्रव, अनाश्रव 14 का, यानी 8 और 4 12 हुए, 12 में 2 मिलाया, वही वैक्रक मिश्र और कारमान, तो 14 हो गए, विच्युति 0 की। चतुर्थ गुण स्थान में आश्रव 46 का, ऊपर 43 में 3 मिला दिए, तो आश्रव 46 का, अनाश्रव 11 का, तीनों इसमें घटा दिए, कहीं घटाना कहीं बढ़ाना यही चल रहा है, लेकिन व्यवस्था है, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार यह आश्रव व्यवस्था बताई गई है। तो 11 का अनाश्रव और विच्युति 9 की, अप्रत्याख्यानावरण 4, वैक्रियक द्विक की 2, त्रसवत की 1, औदारिक का योग 1 और कारमांड का योग 1, इस प्रकार से 9 की विच्युति। पंचम गुण स्थान में अब आइए तो आश्रव 37 का यानी 46 में से 9 निकाल दिए तो 37 का आश्रव और अनाश्रव 20 का, यानी इसमें अनाश्रव में जो इधर निकाली थी अनाश्रव में मिला दिया तो 11 और 9 20 का अनाश्रव हो गया और विच्युति है 15 की। 15 की कौन सी? 4 प्रत्याख्यानावरण और 11 अविरति, ऐसे ही 15 की विच्युति है। आप छठे गुण स्थान में आइए, आश्रव है यहाँ 24 का, तो 37 में से 15 निकाली तो बचे 22 और 22 में 2 आहारक द्विक को जोड़ दिया, क्योंकि छठा गुण स्थान है, छठे में ही आहारक द्विक होते हैं, आहारक द्विक को जोड़ दिया तो 22 और 2 24 हो गई। 24 का आश्रव रहा, अनाश्रव 33 का और विच्युति, आहारक द्विक की विच्युति हो गई, तो यहाँ से बस छठे गुण स्थान से आहारक द्विक निकल गए। अब सातवें गुण स्थान में आइए, आश्रव 22 का, यानी 24 में से 2 आहारक द्विक निकाल दिया, सातवें में आहारक द्विक है नहीं, उदय में नहीं आते हैं, तो 22 का आश्रव, 35 का अनाश्रव, यानी कि 33 में 2 आहारक द्विक पुनः मिला दी गई तो अनाश्रव में 35 का अनाश्रव हो गया और विच्युति कुछ भी नहीं है। अब कहा है कि पीत पद्म और शुक्ल इन तीनों शुभ लेश्याओं में सभी आश्रय होते हैं, तो आपको हमने ये लेश्या मार्गणा का प्रकरण पूरा किया है। अब लेश्या के बाद है भव्या सम्मत सन्नि आहारे, भव्यत्व मार्गणा 11 नंबर की मार्गणा है, तो भव्य मार्गणा को भी इसके अंदर जो लिया है 57 नंबर की गाथा में, सुहलेश भव्ये सव्य भव्ये नहोदिहार दुगम
पण वन्नो सम सम्मे ते मिच्छो राल मिस अण रहिदा। अर्थात तीन शुभलेश्याओं में सभी भाव हैं और उत्तरार्ध गाथा के उत्तरार्ध से लिया है कि भव्य जीवों के सभी आश्रव होते हैं। जो लिखा है भाव होते हैं उसको आश्रव कर लीजिए, क्योंकि प्रकरण चल रहा है आश्रव का, यानी भवितुम योग्या भव्या। जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति है वे भव्य कहलाते हैं, जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है वह अभव्य कहलाते हैं। तो भव्य जीवों के सभी आश्रय होते हैं। अभव्य जीवों में आहारक दिख से रहित 55 आश्रय होते हैं। तो इसके लिए कहा है पूर्व के कोष्टक जो 10-11 नंबर के पेज पर कोष्टक हैं, उनके अनुसार भव्य और अभव्य की रचना को जान लेना। 55 आश्रय अभव्यों के होते हैं। आगे हम चलते हैं सम्यक्त मार्गणा में। भविया सम्मत सन्याहारे, ये मार्गणा कौन से नंबर की है? 12 नंबर की मार्गणा। कोई बात नहीं, कोई बात। अब आगे हमने इसको प्राकृत की गाथा मूल गाथा पढ़ दी है। अब हम आगे चलते हैं सम्यक्त मार्गणा के अनुसार। सम्यक्त मार्गणा के अनुसार क्या है? सम्यक्त को 6 भागों में विभक्त किया गया है, जानिएगा और लिखिएगा भी। क्षायिक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व, क्षय उपशम सम्यक्त्व। और मार्गणा के अनुसार आपको इसमें मिथ्यात्व, मिश्र और सासाधन सम्यक्त्व, इन तीन को भी इस सम्यक्त मार्गणा में गर्भित किया है। क्षायिक, उपशम, क्षय उपशम। क्षय उपशम को वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र, इन तीनों को भी सम्यक्त मार्गणा के अंदर गर्भित किया है। और इसमें विशेष बात यह बताई है कि क्षायिक सम्यक्त में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक 11 गुण स्थान होते हैं। भाई जब सम्यक्त चल रहा है तो इन तीनों सम्यक्त में गुण स्थान चतुर्थ से ही प्रारंभ करेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान पहला, मिथ्यात्व मार्गणा में यानी जो सम्यक्त मार्गणा के अंदर मिथ्यात्व उसमें प्रथम गुण स्थान, सासाधन सम्यक्त में दूसरा गुण स्थान, मिश्र में तीसरा गुण स्थान। बाकी तीनों सम्यक्त का जो दर्जा शुरू होता है तो चौथे से लेकर के शुरू होता है। तो इसमें 11 गुण स्थान बताया किसमें? क्षायिक सम्यक दर्शन में। क्षायिक सम्यक्त में चतुर्थ से लेकर 14 गुण स्थान तक 11 गुण स्थान होते हैं। नंबर दूसरी विशेष बात यह है, मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र में भी अपने अपने गुण स्थान के समान ही आश्रो की रचना जो 10-11 नंबर के पृष्ठ पर जो चार्ट दिया है उसके अनुसार जानना। नंबर तीन विशेषता ये है, उपशम सम्यक्त के अंदर 5 मिथ्यात्व, 1 औदारिक मिश्र, 4 अनंतानुबंधी कषाय, 2 आहारक द्विक, इन 12 के बिना 45 आश्रो होते हैं। यानी कि अब 12 अविरति, 21 कसाय, 4 अनंतानुबंधी के बिना, आहारक द्विक, औदारिक मिश्र के बिना, 4 मन, 4 वचन, 2 वैक्रियक, 1 औदारिक, 1 कर्मण, इस प्रकार जो है 12 प्लस 21 प्लस 12 बराबर 45 आश्रव होते हैं। यह हमने सम्यक्त मार्गणा के अंदर आपको कुछ विशेष व्यवस्था बताई है। अब गुण स्थान इसके अंदर कौन से? उपशम सम्यक दर्शन। उपशम सम्यक दर्शन में आपको हमने बताया है कि इसमें चतुर्थ गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक 8 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि उपशम श्रेणी 11वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती है। तो इसमें चतुर्थ गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक 8 गुण स्थान माने गए हैं।